जिम जाना तो एक सपना रह गया। घी अचार। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और अभी हो रहा है शाम का समय और सेविन और मैं जा रहे हैं उड़द की दाल लेने, ताकि हम लोग मकर संक्रांति की खिचड़ी खा सकें। और ये है जो हमें भेज रही है इतनी रात को बाहर। तो है नहीं, तो कल त्योहार त्योहार है। और अभी बज रहे हैं 7:00 कुछ टाइम हो रहा है, काफी ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है अभी सर्दी में बहुत तेज। चलो लिफ्ट आ गई हमारी। चलो 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 चलो। तो सेविन हमको जाना है उड़द की दाल लेने के लिए, ठीक है? उड़द की दाल। यस। और उड़द की दाल कौन सी वाली? एक छिलके वाली आती है, एक आती है साबुत, ठीक है? तो एक उड़द की दाल छिलके वाली और एक उड़द की दाल साबुत, तो वो दोनों दाल हमको चाहिए कल खिचड़ी बनाने। प्रोग्राम नहीं हो रहा है, वो पूजा चल रही है मंदिर में। हवा कितनी तेज चल रही है इसे देखकर अंदाजा लग जाएगा, सर्दी के टाइम में ऐसी तेज हवा। मैं तो टोपी भी पहन के नहीं आया, बिना टोपी की तो बहुत तेज ठंड लग रही है सर पे। वाओ, ये ग्राउंड में इतनी अच्छी लाइटिंग लगा रखी है, मेरे ख्याल से ये कल की होगी, क्योंकि कल वो था ना, क्या लोहड़ी का प्रोग्राम यहाँ पर किया हुआ था, तो उसी की लाइटिंग शायद अभी उतारी नहीं है। बट अच्छा लग रहा है, लाइटिंग देख के थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है। सुबिन याद है ना कौन सी दाल लेनी है हमें? कौन सी दाल लेनी थी? लहसुन। लहसुन नहीं, उड़द की दाल छिलके वाली और बिना छिलके वाली। तुम भूल जा रहे हो सेविन, भूलो मत। इस जिम को देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन आता है, बट मैं कभी जाता नहीं हूँ। जिम जाना तो एक सपना रह गया। इस बार रश्मि और मैंने डिसाइड किया है कि फरवरी से हम लोग एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे, या तो जिम के मेंबरशिप वगैरह कहीं तो लेंगे, बट कुछ तो करेंगे फॉर अ गुड हेल्थ। अदरवाइज खा के बस पेट ही भर रहा है। ये सोसाइटी के गेट के बाहर है फिटनेस फिट ट्रैकर, एक जिम है यहीं का ही। हम लोग सोच रहे हैं कि या की मेंबरशिप वगैरह ले लें, इनकी देखते हैं फरवरी के बाद। अभी सोसाइटी का गेट से बाहर निकल के काफ़ी सारी शॉप है, तो वहाँ से हम लोग दाल ले लेंगे। हम आ गए महागुण मार्ट, लोग ट्राई करते हैं अग्रवाल प्रोविजनल स्टोर, मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अंकल जी एकदम सारा स्टॉक भर भर के रखते हैं। तो फाइनली हमें साबुत उड़द और छिलके वाली उड़द दोनों मिल गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि खिचड़ी संक्रांत कल है, तो ऑनलाइन मार्केट जैसे कि जेप्टो ब्लिंकिट और जो भी ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, तो उनमें से उड़द की दाल तो ऐसे ही गायब हो गई, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं एंड टाइम में, तो इसलिए बाहर आना पड़ा। अब फरमाइश ही तो पूरी तो करनी थी। तो दाल लेकर आ गए हैं हम लोग वापस अपनी सोसाइटी में, और दाल लेने के बाद सिमनू को भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक चॉकलेट ली। ये जब भी मेरे साथ जाता है मेरा खर्चा कराता है, मेरा बहुत खर्चा कराता है। इतने का तो सामान नहीं आता जितना सामान मुझे सिमनू के लिए लेना पड़ता है। सिमनू तो मेरा इतना खर्चा क्यों कराते हो इतना खर्चा? सिमनू मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सवाल पूछ लो। आप मेरा इतना खर्चा क्यों कराते हो? जब भी बाहर जाते हो क्यों कराते हो? वो इतनी छोटी थी टॉफी, मगर वो बहुत महंगी भी तो थी। उसको टॉफी बोल रहे हो, वो चॉकलेट थी। चॉकलेट नहीं खाना था।
चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएंगे, हम भी खाएंगे क्या? सही क्या? आपने बिल्कुल सही किया यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, आपको तो चॉकलेट खानी चाहिए क्योंकि आप बच्चे हो, आपको तो राइट है चॉकलेट खाने का। मुझे टॉफी खाने का शौक है। टॉफी खाने का शौक है? हाँ तो चलो ठीक है, खाने का शौक नहीं है मुझे। अरे यार बहुत ही शौकीन बच्चा है, बहुत ही शौकीन बच्चा है। चलो जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, यार इस साइड से चलते हैं, इस साइड लाइटिंग भी है ना, थोड़ा इस साइड से मजा आ जाएगा, देखते हैं जाके। नाइस, ऐसे लग रहा है कि दिवाली होगी। क्यों सेवन? दिवाली तो नहीं है आज। हाँ दिवाली तो नहीं है, बट ये ना मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति पापा, हैप्पी मकर संक्रांति सेवन। वाओ ब्यूटीफुल, चारों तरफ लाइटिंग अच्छी लग रही है। पापा बहुत सारे लाइट लगे हैं। पापा इधर से शॉर्टकट मार रहा हूं। यहां से शॉर्टकट है? चलो फिर यार, जब शॉर्टकट है तो वहीं से जाएंगे हम लोग भी। मुझे पता नहीं है सिवनू कहाँ कहाँ शॉर्टकट है, कहाँ कहाँ शॉर्टकट नहीं है। अच्छा उस साइड तो वैसे तुम्हारा पार्क है, वहीं से चलेंगे। वैसे सिविन तुम कितने अच्छे बच्चे हो, देखो सामान मैंने जो लिया था दाल, वो सिविन ही उठा रहा है और मैं खाली हाथ और दूसरे हाथ में कैमरा लेके। थैंक यू सिवनू, यू आर वेरी स्वीट चाइल्ड एंड आई ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। थैंक यू बेबी। थैंक यू सिवनू फॉर प्रेसिंग द 14 बटन। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है, वी शुड नॉट रिले ऑन ऑनलाइन मार्केट ऑलवेज। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट में हम लोगों का जो फिजिकल मूवमेंट है वो बहुत कम कर दिया है। कभी भी कुछ भी चाहिए होता है छोटा मोटा सामान, तो कोशिश पहले ये करनी चाहिए कि खुद बाहर जाकर ले आए, ताकि थोड़ा सा चलना फिरना हो, मूवमेंट हो ना, तो बॉडी की मूवमेंट ही बहुत कम हो जाती है। फिर उसका रिजल्ट होता है वेट गेन, दैट इज रियली रॉन्ग। इसमें दान का सामान है, इसमें डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है मकर संक्रांति की सुबह और रश्मि तो जा रही है मंदिर। बच्चे नहीं सो रहे तो आप भी चलते हैं? हाँ बच्चे सो रहे तो मैं तो घर पे रहूँगा। तो रश्मि पूजा करके आ गई है, अब बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? गुलगुले। चाय भी नहीं पी थी सुबह से और दूध भी नहीं था। तो दूध उबालने डाल दिया है, चाय बनेगी सुबह की अभी। और क्या बनेगा? गुलगुले और दिन में खिचड़ी। और दिन में खिचड़ी, सुबह के नाश्ते में गुलगुले खाएंगे। वाह 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 वाह। Sivinu and Rihnu, गुलगुले बन रहे हैं आज। पता है तुम लोगों को गुलगुले क्या होते हैं? मकर संक्रांति में बनते हैं गुलगुले, तो आज हम खाएंगे गुलगुले। रियान तो बस देखना गुलगुले को, गुलगुला कैसा होता है। सिविन और मैं खाएंगे क्योंकि हमारे टीथ्स हैं, रियान के टीथ्स नहीं हैं अभी, तो वो सिर्फ देखेगा। वाह 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 वाह, क्या गुलगुले बन रहे हैं, मस्त है एकदम। इसको ना ये गुलगुले ही कहते हैं। इसे गुलगुले कहते हैं? सिविन गुलगुले मैं कहते सिविन से गुलगुले गुलगुले यस गुलगुले। नाश्ता। वाह 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 वाह, नाश्ता ये बन गया गुलगुले और ये है चाय। वाह वाह वाह, मकर संक्रांति का स्पेशल नाश्ता। आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग नाश्ता ऑफ मकर संक्रांति? यम्मी। मेरा टीवी भी नहीं चल रहा आज।
टीवी नहीं चल रहा आज, कोई बात नहीं। चलो सिविन लेट्स गो। रिहान को तुम लेके जा रहे हो ना? चलो ओके। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया, अब हम जा रहे हैं नीचे। आज धूप बहुत अच्छी पड़ रही है ना, आज धूप बहुत अच्छी पड़ रही है, तो नीचे जा रहे हैं। चलो चलो वेरी गुड। प्रेस द ग्राउंड फ्लोर। अपना टॉय अपने स्वेटर के अंदर डाला। अपना भी पूरा ख्याल रखता है और रिहान का भी पूरा ख्याल रखता है। सो स्वीट ऑफ यू री सिविल, सो स्वीट ऑफ यू बिग ब्रदर। वो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अमेजिंग वेदर। आओ सिविल। ये हिलते हुए पौधे इशारा करते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। बट वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है, कितने दिनों बाद नीला आसमान देखने को मिला। हाँ 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 नाइस। चलो हम चलते हैं धूप में। सेवन जेब में हाथ डाल के चल रहे हो, नीचे भी देख लो कहाँ चल रहे हो। इस साइड धूप अच्छी पड़ रही है, काफी पब्लिक आई हुई है। एज यू माइट अवेयर इन द लास्ट व्लॉग जो हमारा 31st का रहा था, उस दिन मैंने जब कुकिंग करी थी तो जीन्स पहनी हुई थी और पूरा हल्दी का निशान मेरे इस जीन्स में पड़ गया है। तो ये जीन्स ड्राई क्लीन के लिए देने जा रहे हैं सिविन और मैं। तो मकर संक्रांति की स्पेशल डिश जिसके बिना पूरी मकर संक्रांति अधूरी है, इस खिचड़ी जो कि बन चुकी है खिचड़ी, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पेश किया गया। अचार भी है, घी अचार, घी और अचार, यम्मी। चलो अब इसको खाते हैं। ओके तो खिचड़ी खाने के बाद, खिचड़ी तो हमने बहुत सारी खा ली है। हाँ खिचड़ी बहुत अच्छी बनी हुई थी रश्मि, थैंक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों ने भी आज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई होगी। तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।